वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले हमारे दोस्तों से हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जरूरी सभी जानकारी आपको सबसे पहले मिलने के लिए हमारे हिंदी जो सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए। सभी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचाने के लिए बेल बटन आइकॉन पर क्लिक करके हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को जरूर क्लिक करिए। कुछ दिनों पहले हमसे एक हमारे विजिटर ने पूछा था कि सर एसटी स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, आखिर इसकी प्रोसेस क्या होगी अभी नई महाडीबीटी की वेबसाइट पर। तो इसी सवाल के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जानते हैं ट्राइबल डिपार्टमेंट की जो स्कॉलरशिप होती है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एसटी स्टूडेंट्स के लिए, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या लगने वाले हैं और आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन किस प्रकार से करना है। तो सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे इस हिंदी एजुकेशन सपोर्ट चैनल पर। आपके लिए जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है यहाँ पर पूरी जानकारी पहले से अवेलेबल है। यहाँ पर आकर आप पहले ध्यानपूर्वक सभी जानकारी को पढ़े, उसके बाद ही जो महाडीबीटी की वेबसाइट है वहां पर जाकर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करने का प्रयास करें। तो सबसे पहले आप इस पोस्ट पर आने के बाद यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको कुछ बेसिक जानकारी दी है, इस बेसिक जानकारी को आपको एक बार पढ़ लेना है। इसकी एलिजिबिलिटी दी गई है ट्राइबल जो है पोस्ट मैट्रिक एसटी स्कॉलरशिप के लिए। इस योजना के लिए आपको महाराष्ट्र राज्य का निवासी होना जरूरी है, यानी कि आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट महाराष्ट्र का होना आवश्यक है। इस योजना के लिए केवल एसटी स्टूडेंट्स यानी कि शेड्यूल ट्राइब छात्र ही आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यह ट्राइबल डिपार्टमेंट द्वारा दी जाने वाली एसटी स्कॉलरशिप है। इस योजना के लिए आपका फैमिली एनुअल इनकम 250,000 के अंडर होना आवश्यक है और इसके लिए आपको कम से कम 10वीं पास होना आवश्यक है, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप होने की वजह से इसकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन वह 10th पास दी गई है। तो अगर आपको आपके एजुकेशन में 2 साल के लिए बैक टू बैक कोर्स ड्रॉप हुआ है तो आपको एसटी स्कॉलरशिप फॉर्म भरने की अनुमति नहीं होगी, मतलब आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आप नीचे और स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पर बेनिफिट्स दिए गए, हॉस्टल को कितना, डेस्क वर्कशॉप कितना, यह जानकारी यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। इसके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है, आपको स्कूल की लिविंग सर्टिफिकेट चाहिए आपके पास, आपके पास एसएससी मार्कशीट होना चाहिए, एचएससी की मार्कशीट होनी चाहिए। लास्ट ईयर अगर आपने एचएससी के बाद कोई एजुकेशन कोर्स किया है तो आपके पास वह लास्ट ईयर की मार्कशीट होना चाहिए। अगर आपका एजुकेशन गैप है तो आपके पास गैप सर्टिफिकेट भी होना आवश्यक है। इनकम सर्टिफिकेट चाहिए जिसका इनकम अंडर 250,000 होना आवश्यक है। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिए, जिन कोर्सेज को वैलिडिटी सर्टिफिकेट की आवश्यकता है वहां पर आपको वैलिडिटी सर्टिफिकेट जरूर सबमिट करना पड़ेगा, जरूर अपलोड करना पड़ेगा। ध्यान रहे इसके लिए आपको कैप द्वारा ही एडमिशन लेना है, अगर आपके पास कैप एडमिशन अलॉटमेंट लेटर नहीं है तो आप जो है पोस्ट मैट्रिक एसटी स्कॉलरशिप क्या, मतलब जितने भी स्कॉलरशिप है वहां पर प्रायोरिटी स्कॉलरशिप होगी, तो उस एक दो स्कॉलरशिप को छोड़कर बाकी जितने भी स्कॉलरशिप है पोस्ट मैट्रिक की आपको उसके लिए कैप एडमिशन अलॉटमेंट लेटर होना आवश्यक है। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए और ध्यान रखे इस बार आपका आधार कार्ड के साथ में मोबाइल नंबर लिंकिंग होना आवश्यक है और आपके बैंक अकाउंट से आपका आधार नंबर और मोबाइल नंबर आधार से लिंक होना भी बेहद आवश्यक है। इस प्रकार से आपके पास यह 10-11 डॉक्यूमेंट्स होना आवश्यक है। उसके बाद आपके पास समय आता है ऑनलाइन एप्लीकेशन एसटी स्कॉलरशिप का कैसे करना है। तो जो है पोस्ट मैट्रिक एसटी स्कॉलरशिप 2018-19 के लिए आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा महाडीबीटी की वेबसाइट पे। थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करिए, यहाँ पर आप एसटी स्कॉलरशिप लॉगिन के लिए न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं आपको रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको नीचे दी गई महाडीबीटी की वेबसाइट पर लॉगिन करना है। हमने पहले भी यहाँ पर जो वीडियो बनाया है वहां पर रजिस्ट्रेशन की पूरी जानकारी दी है, आप एक बार वहां पर जाके देख सकते हैं या फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन कैसे करना है यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो हम समझते हैं कि आपका अभी लॉगिन बन चुका होगा, रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। तो जैसे ही आप महाडीबीटी की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे, आपका लॉगिन बन चुका है ऐसा हम समझ के चलेंगे। यहाँ पर आपको एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करना है, एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने
एसटी स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेंट लॉगिन हियर की विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने जो लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाया है वह आपको एंटर करना है और लॉगिन हियर पर क्लिक करना है। ध्यान रहे, महाडीबीटी की वेबसाइट पर कोई भी स्कॉलरशिप स्कैम अप्लाई करते समय सबसे पहले आपको अपने प्रोफाइल डिटेल्स भरनी आवश्यक है, जहां पर आपको 6 प्रकार की डिटेल्स पूछी जाएंगी। तो उस 6 प्रकार की डिटेल्स को पूरी तरह से 100% भरने के सिवाय आप कोई भी स्कॉलरशिप आवेदन को अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब प्रोफाइल डिटेल्स में ही आपकी 95% डिटेल्स मौजूद है। अगर वहां पे आप गलत जानकारी भरते हैं तो आपका एप्लीकेशन आगे फॉरवर्ड होने में प्रॉब्लम कर सकता है। तो यह सभी जानकारी आप ध्यानपूर्वक भरे, उसके बाद ही आगे की प्रोसेस करें। तो हमने प्रोफाइल स्टेटस पूरा 100% कर लिया है। इसके लिए हमारा प्रोफाइल कम्प्लीटनेस 100% बता रहा है, आपका यहाँ पर 0% बताएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में प्रोफाइल पर क्लिक करना है। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद आपको जो 6 डिटेल्स दी जाएगी वह आपको 100% पूरी करनी है। वहां पर आपको कौन कौन सी डिटेल्स पूछे जाएंगे, तो आपको पूछे जाएंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन, अदर इन्फॉर्मेशन, करंट कोर्स इन्फॉर्मेशन, पास्ट क्वालिफिकेशन और हॉस्टल डिटेल्स। इस प्रकार से पूरी इन्फॉर्मेशन सेव करने के बाद आपके पास समय आता है ऑल स्कैम पर क्लिक करने का। ऑल स्कैम पर क्लिक करने के बाद में आपको एसटी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना है। यह वीडियो जो है पोस्ट मैट्रिक एसटी स्कॉलरशिप 2018-19 के लिए आपको एप्लीकेशन कैसे करना है इसके बारे में है, तो हम सिर्फ उसी के अनुसार बात करेंगे। तो आपको यहाँ पर डिपार्टमेंट में ट्राइबल डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। तो जो ये स्कॉलरशिप दी जाती है एसटी स्कॉलरशिप के लिए वह कौन से डिपार्टमेंट में दी जाती है, तो वह दी जाती है ट्राइबल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा। और स्कैम नेम है जो आए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कैम, मतलब पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कैम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सर्च पर क्लिक कीजिएगा। सर्च पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस प्रकार की नीचे दी हुई वही स्कैम आएगी, मतलब जिसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको टेक एक्शन में अप्लाई पर क्लिक करना है और इसके लिए एप्लीकेशन एंड डेट होगा 4 नवंबर 2019। तो यहाँ पर आप टेक एक्शन के अप्लाई पर क्लिक कीजिए। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद अगर आप एसटी छात्र हैं तो आपके सामने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए पूछा जाएगा। तो वह डॉक्यूमेंट जैसे डोमेसाइल होगा या फिर लिविंग सर्टिफिकेट होगा या फिर राशन कार्ड, और एक सर्टिफिकेट होता है जो कि चिल्ड्रेंस के ऊपर होता है, मतलब 2 चिल्ड्रेंस है और तीसरे चिल्ड्रेंस ने यह लाभ लिया नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ वो सर्टिफिकेट है जो कि आप यहाँ से नीचे जो डिक्लेरेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है यहाँ से आप डिपार्टमेंट से स्कीम और डिपार्टमेंट चुनकर डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम एसटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो हमें आगे की इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि प्रोफाइल डिटेल्स में हमने एसटी नहीं किया हुआ है, हमारा जो कास्ट है वो हमने किया है। तो हमें इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, एरर दिया जाएगा कि इस कास्ट के लिए जो स्कॉलरशिप है वह इलिजिबल नहीं होगी, हमने डोमेसाइल सर्टिफिकेट भी अपलोड नहीं किया है, इसके लिए अभी फिलहाल महाराष्ट्र डोमेसाइल सर्टिफिकेट का एरर आ रहा है, आपको नहीं आएगा, आप आगे की जानकारी पर जाएंगे। मतलब अभी सिर्फ 5% की जानकारी थी जिसमें मैंने आपको बताया कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हमें अपलोड करने थे। तो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होने के बाद आपको अपना जो है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप एप्लीकेशन सबमिट करना है। तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि आपको किस प्रकार से एसटी स्कॉलरशिप जो है पोस्ट मैट्रिक के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर आपको फिर भी कोई शंका है या फिर आपके मन में अभी भी कुछ ऐसी संदेह उत्पन्न हो रहे हैं कि किस प्रकार से क्या करना है, इसमें क्या होगा, उसमें क्या होगा, तो आप हमारे ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे यूट्यूब चैनल पर भी, हिंदी जो सपोर्ट चैनल पर भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए, हमारी वेबसाइट को सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि हर प्रकार के स्कॉलरशिप अपडेट्स हम डेली आपको देते रहते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्द ही अगले वीडियो के साथ में। धन्यवाद।